बीच ऑपरेशन में महिला को छोड़कर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई डॉक्टर। घर वालों से कही ऐसी बात की सुनकर सूख गया पति का गला, फूल गए हाथ पैर। महिला का पेट चीरने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन से किया इनकार। वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर तो भड़का लोगों का गुस्सा। महिला को मौत के मुंह में जाता देख पति की हालत हुई खराब। डॉक्टरों के इस रवैये पर उठे सवाल, वीडियो में विस्तार से समझे पूरी खबर। बरसात का समय था और प्रमिला ऑपरेशन के लिए उत्तराखंड के चमोली के गोपेश्वर स्थित जिला अस्पताल गई थी। ऑपरेशन थिएटर में प्रमिला का ऑपरेशन चल रहा था, तभी पेट में चीरा लगाने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने मरीज की जान को खतरा बताकर ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। इस पर मरीज के स्वजन भड़क गए। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज या एम्स ऋषिकेश रेफर करने की सलाह पर उन्होंने हंगामा कर दिया। डॉक्टर ऑपरेशन छोड़कर जल्दबाजी में बाहर आते हैं और उसके पति बाल सिंह को सूचित करते हैं कि मरीज की स्थिति ठीक नहीं है और उसे तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर करना होगा। ये सुनकर बाल सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ बरसात का मौसम और दूसरी तरफ बदहाल सड़कें, ऐसे में प्रमिला को हायर सेंटर तक कैसे ले जाया जाए, ये सोचकर बाल सिंह घबरा जाते हैं। वह अपनी पत्नी को हायर सेंटर तक ले जाने के लिए पूरी जुगल में जुट जाते हैं। इस स्थिति में बाल सिंह की जानकर संदीप भंडारी राज्यसभा सांसद महेश भट्ट को फोन पर पूरी घटना बताते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने जिलाधिकारी से बात की और फिर एम्स तक हेली रेस्क्यू की व्यवस्था की गई। हंगामा बढ़ने पर सीएमएस के आदेशों पर हेली रेस्क्यू के जरिए ऑपरेशन कराने वाले सर्जन को भी मरीज के साथ एम्स भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार विकास खंड जोशीमठ के पोकली गांव की 35 वर्षीय प्रमिला देवी पत्नी बाल सिंह डॉक्टर के पास परीक्षण के लिए गई और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके बच्चेदानी में समस्या है और इसका ऑपरेशन करवाना जरूरी है। तय तारीख पर डॉक्टरों द्वारा प्रमिला का ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के दौरान अचानक से डॉक्टर द्वारा परिजनों को बताया गया कि वह ऑपरेशन अब उनके हाथ में नहीं है। ऐसे में परिजनों के हाथ पैर फूल गए क्योंकि बरसात के चलते सड़कों की स्थिति खराब बनी हुई थी। परिजन के सामने अपने मरीज को बचाने के लिए दूसरा कोई विकल्प सामने नहीं दिख रहा था। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे भी एक राय लेना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हेलीकॉप्टर से भेजा देहरादून। मरीज के परिजन संदीप भंडारी ने इस बारे में कहा कि डॉक्टर द्वारा बताया गया कि प्रमिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन होना है, जिसके बाद मरीज को ऑपरेशन के दिन ले जाया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर ने सूचना दी कि मरीज की स्थिति ज्यादा खराब है, उन्हें रेफर करना होगा। उन्होंने फौरन राज्यसभा सांसद महेश भट्ट को फोन से बात कर पूरी स्थिति से अवगत कराया, जिस पर भट्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मरीज को देहरादून पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। वहीं गोपेश्वर जिला अस्पताल के सीएमएस अनुराग धनिक ने कहा, मरीज का ऑपरेशन शुरू किया गया था। जिस तरह के हालात और गंभीर समस्या मरीज के पेट में देखने को मिली, उस पर मरीज की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें रेफर करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा है कि अगर मरीज का ऑपरेशन करने की कोशिश करते तो मरीज की जान खतरे में आ सकती थी। बता दें कि मरीज को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराने के बाद चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। अब स्थिति सामान्य है, वो वार्ड में भर्ती है। इधर पोकली के प्रधान संदीप भंडारी ने बताया, एम्स के चिकित्सकों से कहा गया है कि पहले वे जांच करेंगे फिर ये बताएंगे आगे किस प्रकार का इलाज किया जाना है। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।